दोस्तों इंडियन मार्केट में अभी भी कुछ गाड़ियां ऐसी बची हुई हैं जिनको एक्चुअली में या तो डिसकंटिन्यू होना चाहिए या फिर उनका एक लेटेस्ट वर्जन आना चाहिए, और ये इतनी आउटडेटेड हैं कि मुझे लगता है कि अब फिलहाल टाइम आ चुका है इसके ऊपर बोलने के लिए, और आपको जो है वो इन गाड़ियों को थोड़ा सा हल्का वन गाम डिस्टेंस इनसे रखना चाहिए। देयर आर रीजन। अब देखो, जब आपके पास में सेम प्राइस में एक अपडेटेड प्रोडक्ट है, ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको पीस ऑफ माइंड देगा, तो भाई क्यों नहीं उसमें ऐसा इन्वेस्ट करूं मैं, मतलब क्यों जाना मुझे दूसरी तरफ। कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है इन गाड़ियों का फिलहाल। मतलब ये हो सकता है कि एक टाइम में या अभी भी फिलहाल में बहुत सारे सेगमेंट में कंपीट करती हूँ और बहुत सारे पोर्शन में लीड भी करती हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज जो टाइम के साथ में बदली नहीं गई है उसके ऊपर जो है वो आज का मुद्दा है। तो इन गाड़ियों को स्पेशली आप 2024 के लिए अवॉइड कर सकते हैं, उनका वेट कर सकते हैं एक नई जनरेशन, एक नई फेसलिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टाइम और आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं और ये सब रिसर्च करके आ रहे हैं, तो प्लीज 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 डू गिव अस सब्सक्राइब। गाइस, सबसे पहले इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करते हैं, ये है टाटा। टाटा के पास में अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब अपडेटेड है। मतलब किसी कोई भी सेगमेंट हो, आप कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, सेडान, हैचबैक, उनके पास में ना सारे प्रोडक्ट्स अप टू द डेट रहते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जो उनको एक्चुअली अंदर ही अंदर खा रहा है, एंड दैट इज टाटा टिगोर। टाटा टिगोर एक पोटेंशियल प्रोडक्ट है, 4-स्टार रेटेड है, सीएनजी में भी आता है, ईवी में भी आता है, पेट्रोल में भी आता है। बट मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक तो वो प्रोडक्ट ना आप देखोगे अपने सेगमेंट में आने वाले अमेज एंड डिजायर के साथ में कंपीट करता है, लेकिन टिगोर जो है वो टियागो का ही एक अपडेटेड या मैं कहूँ सेडान वर्जन है। इस वजह से होता क्या है ना कि उसके डायमेंशन वैसे ही रहते हैं, बस उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है सब 4 मीटर आने के लिए। अब अगर आप डिजायर से कंपेयर करो, अमेज से कंपेयर करो, तो उसके डायमेंशन कम होते हैं, क्योंकि डिजायर एंड अमेज जैसे प्रोडक्ट के अगर आप छोटे वर्जन देखोगे तो उसके डायमेंशन एक्चुअली टियागो के साथ हैं। जैसे स्विफ्ट, या मैं इंटरनेशनली बात करूं ब्रायो जो आती है उससे अमेज निकली है, तो वो दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो काफी बड़े हैं डायमेंशन से, इससे ज्यादा स्पेस आपको मिलती है। टिगोर सेल्स के मामले में भी काफी कम कर रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है टाटा उसको डिसकंटिन्यू भी कर दे। सो टिगोर की जगह वेट फॉर डिजायर अपलिफ्ट, जो अभी नया वर्जन आने वाला है, उसकी नई जनरेशन आने वाली है, उसमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड होंगे जो आपको टिगोर में नहीं मिलते हैं, एंड उसकी सेफ्टी रेटिंग्स भी जो है वो एट पार होगी टाटा टिगोर से। अब आप बोलोगे मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है, ये कैसी बातें कर रहे हो, टाटा का लोहा ये वो, 10 चीजें जो है वो आप बोल सकते हो, बट द फैक्ट इज डिजायर एक ज्यादा बेटर प्रोडक्ट होगा, एंड उसका रीजन यही है कि उसके अंदर फीचर्स ज्यादा आएंगे, सेफर ज्यादा वो आपको महसूस कराएगा, स्पेस तो उसके पास में होगी, एक नई जनरेशन का जो BS7 रेडी जो है वो एक इंजन उसके अंदर लगा होगा, जो फिलहाल जो है वो स्विफ्ट के अंदर भी आता है, जो टाटा के पास तो अभी नहीं है, तो वो लॉन्गर रन में आपको ज्यादा पीस ऑफ माइंड भी देगा। गाइस सॉरी इस वीडियो का जो फ्लो है वो तोड़ने के लिए, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट था। आप अब जो है वो मेरे साथ में कॉल बुक कर सकते हैं एंड अपने जितने भी डिसीजन है गाड़ियों को लेके, उनको आप उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत गाड़ी मैं ना ले लूं, ऐसा ना, ये अगर फियर है दिमाग में कि यार ये 4-5 गाड़ियां हैं शॉर्टलिस्ट मैंने कर ली हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सी है वो मुझे कोई बता दे तो मजा ही आ जाए। तो मैं हूं वो एक्सपर्ट जो आपके साथ में अपनी राय शेयर कर सकता है। जस्ट बुक अ कॉल विद अस, डेफिनेटली यहां पर सारी डिटेल्स दी गई हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया गया, बस आपको वहां पर क्लिक करना है और हाई लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद में जो है वो मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी एंड आप कॉल बुक कर पाएंगे। गाइस दूसरा जो OEM है वो है Hyundai। अब ये मास मार्केट OEM है आप जानते हो, और इसके हर एक प्रोडक्ट्स अपडेटेड है, सारे, क्रेटा हो, एक्स्टर हो, ग्रैंड आइटन हो, i20 हो, सारे प्रोडक्ट्स अपडेटेड है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पोटेंशियल प्रोडक्ट था उसको ढंग से Hyundai ने एक्चुअली प्रोमोट नहीं किया, एंड वो प्रोडक्ट है Hyundai Elgazar। ये क्रेटा का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें आप 7 लोगों की कैपेसिटी के साथ में या 6 लोगों की कैपेसिटी के साथ में इसको ऑप्ट कर सकते थे। बट द प्रॉब्लम इज, अब जब नई जनरेशन क्रेटा आ चुकी है तो Elgazar में पैसा इन्वेस्ट क्यों करें। Elgazar का फेसलिफ्ट जो है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को नजर आएगा। अब Elgazar का जब फेसलिफ्ट आने वाला है तो वाई नॉट स्किप दिस प्रोडक्ट भाई, क्यों मुझे खरीदना है, मैं इतना 18-19 लाख रुपए लगाने वाला हूं, मुझे क्यों एक आउटडेटेड प्रोडक्ट आप पकड़ा रहे हो। या तो मुझे लगता है कि इंडियन OEMs को वो आउटडेटेड प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए ताकि वो एक हल्का सा स्पॉट ना डाल दे, वो स्पॉट होता है आउटडेटेड प्रोडक्ट का। तो भाई इस प्रोडक्ट से भी आप बच सकते हो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाइज डिसीजन नहीं होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर इस टाइम सबसे ज्यादा ऑफर चल रहे होंगे। तो अगर आपको ऑफर चाहिए और आपको इस प्रोडक्ट के साथ में लगाव थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आने वाला फेसलिफ्ट जो ज्यादा महंगा भी आपको महसूस कराएगा, जबकि उसके अंदर इंजन ऑप्शन सेम रहेंगे, फीचर्स बढ़ जाएंगे, लुक्स बढ़ेंगे, तो अगर आपको उन चीजों से मतलब नहीं है, आप कैब इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए, ये एक प्रोडक्ट है, अभी भी पोटेंशियल इसके अंदर है, बट क्योंकि आउटडेटेड है इसलिए 2024 में आप इससे बच सकते हो। तीसरा OEM है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के पास में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है और यही रीजन है कि उसके अंदर प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो अभी तो कंप्लीटली बॉयकॉट आपको करना चाहिए। सबसे बड़ा और मेजर प्रोडक्ट है एस्प्रेसो। देखो एस्प्रेसो आप एक तो 0-star रेटेड है, सेफ नहीं है, मटेरियल क्वालिटी के मामले में भी इश्यूज है, एंड वो ना एक अच्छा लुक भी नहीं देता, बहुत अच्छे लुक्स उसके एक्चुअल में नहीं है, तो आप एस्प्रेसो से एक तो बच सकते हो। दूसरा इग्निस, 2017 में आई थी ये और उसके बाद में कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया मारुति सुजुकी ने इसके ऊपर कि भाई इंसान उसको खरीद सके। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोग आज भी इसको टियागो के ऊपर बाय कर सकते हैं, बेहतरीन ऑफर चलते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि ये इतना आउटडेटेड हो चुका है इस टाइम 2024 में कि 7 साल आने के बावजूद भी मारुति सुजुकी ने इसके ऊपर से पलटा ही झाल लिया। ऐसा लगता है जैसे उसको साइडलाइन कर दिया, एक कोने में तुम खड़ी रहो भाई, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा इसी वजह से जो है वो प्रमोट भी नहीं करते हैं एंड सेल्स डेफिनेटली नहीं आती है। तीसरा जो उनका प्रोडक्ट है ना वो है इनविक्टो। अब ये जो है प्रोडक्ट वो टोयोटा रीबेस्ड वर्जन है, जैसे कि वाइस वर्सा होता है, फ्रॉन्क्स का उन्होंने जो है वो वहां जाके टाइजर बनाया एंड अर्टिगा का रूमियोन बनाया, ऐसे बोला कि यार टोयोटा तुम भी मुझे कुछ दे दो, मैं ही देते रहूंगा अगर आपको फ्रीबीज, तो इस वजह से टोयोटा का जो एक प्रोडक्ट है वो उठा लिया उन्होंने, दैट इज कॉल्ड इनोवा हाई क्रॉस। अब मारुति सुजुकी के लिए लोग इसलिए अटैच्ड हैं क्योंकि वो मास मार्केट को कैप्चर करता है, और जब मास मार्केट आता है ना तो वो बजट फ्रेंडली जो है वो कंस्ट्रेंट जरूर उसके साथ में जुड़ता है। अब जब बजट फ्रेंडली है ही नहीं इनोवा हाई क्रॉस या मैं कहूँ इनविक्टो, तो लोग उससे जो है एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, इसीलिए इनोवा हाई क्रॉस जो है वो बिकती है टोयोटा के पल्ले में, लेकिन वही इनविक्टो मारुति सुजुकी नहीं बेच पाता है। टोयोटा के साथ में दूसरी फिलॉसफी है, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी इजीली बेच पाते हैं, वो आज कैमरी भी बेच पा रहे हैं, वेलफायर भी बेच पा रहे हैं, वो फॉर्चूनर भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं, इनोवा क्रिस्टा एंड इनोवा हाई क्रॉस भी उनका बहुत अच्छे से बिक रहा है, उन्हें कोई परेशानी है नहीं, उनकी 30-40% सेल्स वैसे भी रीबेज वर्जन से आ जाती है, जो उनके बजटेड प्रोडक्ट हैं जो 15-16 लाख से नीचे के प्रोडक्ट हैं, वो तमाम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मारुति सुजुकी से वो आउटसोर्स कर लेते हैं, उनको इशू नहीं है। लेकिन यही फिलॉसफी अगर आप वाइस ओवर से मारुति सुजुकी के साथ देखोगे तो इन्वेक्टो उनका फ्लॉप प्रोडक्ट, जिमनी उनका फ्लॉप प्रोडक्ट। जिमनी हालांकि है, वो अभी भी अपडेटेड प्रोडक्ट है, उसको आप खरीद सकते हो। चौथा जो उनका प्रोडक्ट है वो है सिलेरियो। ये ऐसा प्रोडक्ट है इसके अंदर मैकेनिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। आप उसका स्टेयरिंग व्हील जो है वो कंप्लीटली रोटेट करोगे अगर छोड़ोगे ना और गाड़ी मोशन में, तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप अच्छी क्वालिटी गाड़ियां चला रहे हो एंड ये इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो आपकी लाइफ में फिट इन हो जाए, तो सिलेरियो से अवॉइड कीजिए। सिलेरियो इग्निस इन दोनों का बेस्ट अल्टरनेट मैं बता दूं, सिलेरियो आज भी 6 लाख की आती है, लेकिन आप टियागो एंड ग्रैंड आई10 नियोस इन दो में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो पैसा अच्छी जगह जा भी रहा है और अच्छी चीजें भी आपको मिल रही है। ग्रैंड आई10 नियोस डेफिनेटली एक ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है सिलेरियो से और इग्निस से भी, तो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करो ना, मतलब वाई टू ऑप्ट एन आउटडेटेड प्रोडक्ट। ये एक और OEM है महिंद्रा, जिसमें हमें मुझे लगता है कि ये भी अभी बचता है अपने पोर्टफोलियो में से मरेजो को हटाने में। मरेजो डेफिनेटली डिसकंटिन्यू हुई है एक तरीके से, लेकिन उनकी वेबसाइट एंड आउटलेट पे आज भी मरेजो की बुकिंग होती हुई आई है। 14.5 लाख रुपए में ये प्रोडक्ट आ रहा है। आप क्यों नहीं खरीदोगे XL7 और आप क्यों नहीं खरीदोगे किया कैरेंस, और आपको क्यों खरीदना मरेजो, मुझे मेरे समझ से बाहर है। मरेजो अब एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है, वो एक इंडिजीनस प्रोडक्ट था एक टाइम पे, आज से 4-5 साल पहले वो अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट था, लेकिन लोगों ने ज्यादा सराहना दी नहीं एक्चुअली उसे, जैसे कि जाइलो के साथ में हुआ और उनकी एक और आई थी ना क्वांटो करके आया करती थी, उसके साथ में हुआ, सेम हाल जो है वो मरेजो के साथ में। उन्होंने बहुत रिसर्च डेवलपमेंट की, अच्छा इंजन लेके आया उसके अंदर, लेकिन ये इशू होने की वजह से मरेजो को अब जो है वो आउटडेट कर देना चाहिए, उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मरेजो, इसके साथ में आती है बुलेरो। जी हाँ, मैं बुलेरो की बात कर रहा हूं, बुलेरो नियो की बात नहीं कर रहा हूं। बुलेरो उनका एक बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट है, 0-star रेटिंग्स नियो को जो है वो फिलहाल मिले हैं, और अगर आप देखो ना तो बुलेरो के साथ साथ
आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन खरीद सकते हो अगर आपको बुलेरो ही खरीदना है, मतलब आपका है ये रग्ड एसयूवी रियर व्हील ड्राइव और एक बिल्कुल टफ एसयूवी चाहिए, तो आप महिंद्रा का ही बुलेरो नियो खरीद सकते हो। अब मुझे पता है कि बुलेरो नियो के आप बोलोगे यार जीरो स्टार रेटेड है, क्यों प्रमोट कर रहा है? प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहा हूं। आप लोग अगर बुलेरो में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बुलेरो नियो में कीजिए, वो ज्यादा बेटर, वो एडवांस है, इनफैक्ट उसके ऊपर बहुत तगड़ा डिस्काउंट चलता है, आप डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो। एडवांस के साथ साथ वो रूरल एरियाज में भी परफेक्ट है क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है और उसके साथ में MLT जैसा फंक्शन आता है जो बुलेरो में रेगुलर बुलेरो में नहीं आता है। रेगुलर बुलेरो में रस्टिंग इशूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, लोगों ने उसको लोग उससे परेशान भी हुए हैं, इस वजह से आप बुलेरो नियो को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि किसी भी के पैमाने पे ये बुलेरो से लेस पोटेंशियल नहीं रखती है। बुलेरो नियो ओवर बुलेरो अगर आपके दिमाग में सेफ्टी रेटिंग्स नहीं है, अगर आपको इंटर सिटी चलना है, आपको विदिन सिटी चलना है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिव देसी बुलेरो की। अब बात आती है होंडा की। अब होंडा के पास में एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी फिलहाल आउटडेटेड है, दैट इज अमेज। अमेज को आप रुक के होल्ड करके तब ले सकते हो क्योंकि अमेज का एक मेजर फेसलिफ्ट आने वाला है, उसके अंदर अपडेट्स आने वाले हैं और वो अपडेट्स जो है वो मिनिमल नहीं होंगे, वो मैक्सिमम होंगे, बहुत सारे अपडेट्स उसके अंदर आएंगे। हो सकता है 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को नजर आ जाए या इस सेगमेंट में आने वाली सनरूफ जो उन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन फिलहाल तो अभी आपको अमेज से को थोड़ा साइडलाइन करना चाहिए। उससे बेटर है आप डिजायर का वेट कर सकते हैं, उससे बेटर आप अमेज का ही वेट कर सकते हैं जो डिजायर से मुझे ज्यादा बेहतर लगती है। मेरे घर में डिजायर के अलावा अमेज भी है, बट हमेशा से मैं अमेज को ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरी कजन सिस्टर है जिसको मैंने दिलाई थी उसकी शादी पर 2019 में, आज भी बहुत खुश है। सेम कजन के पास में डिजायर भी है लेकिन वो डिजायर से खुश बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वही क्वालिटी इशूज हैं आपके पास में। जब आप एक क्वालिटी चीज चला लेते हो ना तो आप लेस क्वालिटी मटेरियल की तरफ कम अट्रैक्ट होते हो। अब बात करते हैं सिट्रॉन की। सिट्रॉन के पास में दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल ही जीरो पे पड़े हुए हैं, एक तो EC3 और उन्हीं का पेट्रोल वर्जन C3। अब ये हैचबैक है या फिर SUV है ये तो भगवान जाने, लोगों को SUV लगती है लेकिन सिट्रॉन को हैचबैक कहता है। डेफिनेटली ये एक हैचबैक ही है बट ये एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है फिलहाल। आप अगर लेने जाओगे तो डेफिनेटली आपको 50-60 हज़ार रुपये और डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, बट बहुत सारे इश्यूज हैं C3 के साथ में। एक तो वोकल बहुत है उसका इंजन अगर आप लोअर इंजन खरीद रहे हो, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ना तो टॉगल स्विचेस जो है वो यहाँ पर अलग अलग जगह मेंशन है विंडो के कंट्रोल्स के, आउटडेटेड फील कराएगा आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इससे बेटर ये है कि आप हल्के सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप नेक्सॉन जैसे XUV 3XO जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको उसी बजट में चाहिए तो आपके पास में यहाँ पर स्विफ्ट है, स्विफ्ट के साथ साथ ग्रैंड आइटन नियोस है, i20 है, एल्ट्रॉज है, ये प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड EC3 की जगह आप पंच में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न देगा। पंच एक लग्जरी व्हीकल है वैसे, अगर आप इंटीरियर्स देखोगे तो वो फीचर उसके रेगुलर पंच में नहीं आते हैं, तो बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में इंटीग्रेट किया टाटा ने उसे। अब बात करते हैं जीप के बारे में। जीप ने मतलब वो अलग ही तरीके की फिलॉसफी यहाँ पर चला रहा है। जीप के पास में कंपस है, मेरिडियन है, जो वो बजट में हिट करते हैं। अब यहाँ पे कंपस के साथ में इशू पता क्या है, उन्होंने अपना पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही डिसकंटिन्यू कर दिया और डीजल के साथ में वो चला रहे हैं। BS7 रेडी उनके पास में डीजल नहीं है और BS7 तक आते आते लगभग सारे ही मैन्युफैक्चर सारे OEM जो है वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर देंगे डीजल को। अब जब डिसकंटिन्यू होना ही है तो क्यों उन्होंने जो है वो यहाँ पर इसको अभी पेट्रोल वर्जन को जो है वो डिसकंटिन्यू किया, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो बहुत ही अजीब सा तरीका है, मतलब अगर आपका जिस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंट है वो आप हटा के एक ऐसे इंजन के साथ में चलें जिसका फ्यूचर स्कोप ज़्यादा नहीं दिखाई देता। वो इंजन डेफिनेटली जेम है, जेम ऑफ अ काइंड है वो, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की तो वो इंजन को यहाँ पर होना चाहिए। MG ZS EV केवल ये ही एक ऐसा प्रोडक्ट है MG के पोर्टफोलियो में जो आउटडेटेड है क्योंकि आने वाले टाइम में टाटा कर्व EV आएगी, डसाल्ट EV आएगी और BE सीरीज आने वाली है महिंद्रा की और यहाँ पर क्रेटा EV भी यहाँ पे आने वाली है। तो जब इतने सारे प्रोडक्ट हैं EV में तो मुझे लगता है कि MG को अब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ZS के साथ में, उसको अपडेट करना चाहिए, एक नई जनरेशन उसकी लेके आने चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में तो इसका एक फेसलिफ्ट आ चुका है लेकिन वही फेसलिफ्ट अगर वो यहाँ पर लेके आएंगे तो वो सबसे पहले प्लेयर होंगे, सबसे पहले प्लेयर होने की वजह से उनके पास में एडवांटेज होगा। थोड़ा सा वो चाहें तो प्राइस ड्रॉप भी कर सकते हैं, वैसे तो 18 लाख से स्टार्ट है अभी।
रेनो की क्विड अब कोई सेंस नहीं बनाती क्योंकि जिस प्राइस में वो आती है ना, अब 800 से 1000 cc इंजन, लोग जनरली उस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं इन्वेस्ट करते। आप देखोगे वैगनार की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको, टियागो जैसी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, अब वो एंट्री लेवल गाड़ियों में स्कोप बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब इसीलिए रेनो को भी क्विड के साथ में अब टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, स्टार रेटिंग कुछ है नहीं, रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है उसके साथ में। आप तब देखो नीचे से चैम्बर जो है उसका फट जाता है, क्योंकि मैकेनिकल फेलियर्स इतने ज्यादा है उसके साथ में कि तब देखो तब जो है उसका नीचे से चैम्बर फट जाता है। प्लास्टिक का चैम्बर दिया हुआ है, मैकेनिक से अगर उस गाड़ी का फीडबैक लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए गाड़ी नहीं है। तो क्विड से आप बनाम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है वो आपके पास में ऑल्टो के 10 जैसे प्रोडक्ट हैं, आपके पास में वैगनार जैसा प्रोडक्ट है, टियागो और ये ग्रैंड आइटन जैसे प्रोडक्ट। निसान के पाले में है मैग्नाइट और वो तकरीबन 2000 यूनिट या उससे ऊपर यूनिट ही कर रही है। पिछले 6-7 महीने में देखें तो 2700, 2600, 2800, 2500, 2200 ऐसे यूनिट्स वो कर रही हैं, विच इज डिसेंट नंबर, बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है लेकिन डिसेंट है फॉर अ OEM जो कितने सालों से ट्राई कर रही है। ये मैग्नाइट के साथ में आपको क्यों होल्ड करना चाहिए 2024 में, क्योंकि दिसंबर आते आते इसका एक फेसलिफ्ट आएगा। इस साल निसान ने दो चीजों को जो है प्रॉमिस की है, एक्सट्रेल एंड मैग्नाइट फेसलिफ्ट। तो जब फेसलिफ्ट आ रहा है तो एक आउटडेटेड प्रोडक्ट में मुझे क्यों पैसा इन्वेस्ट करना, 3-4-5 महीने की बात है आप जाके जो है वो दोबारा से मैग्नाइट को लॉन्च होते हुए देखोगे। तो मैग्नाइट ही अगर दिमाग में है तो बेटर है कि होल्ड कीजिए, अगर मैग्नाइट दिमाग में नहीं है तो उसके ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं जिनमें से काइगर है, और काइगर के अलावा आप यहाँ पर जो है वो नेक्सॉन और पंच जैसी गाड़ियों को देखते हो, या मैं कहूँ एल्ट्रोज जैसी गाड़ी को देखते हो, तो वो उसकी प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव है डेफिनेटली, तो इसीलिए उस सेगमेंट में पंच एक्स्ट्रा जैसी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर शुमार है। सो दोस्तों ये तो थी लिस्ट उन गाड़ियों की जो आपको फिलहाल 2024 में रुक के थम के जो है वो यहाँ पर चेक करनी चाहिए। इन गाड़ियों से आप अपना हाथ थोड़ा पीछे रख सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है, पैसा आपका, लेकिन सपने देखने चाहिए उन चीज़ों के जो ज़्यादा देर तक टिकें। तो सपने भी देखो और उनको खरीद के भी लाओ। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अनिल वो नेक्स्ट टाइम बबाड़ी इन की कार बाइक वट एवर यू आर हैविंग ड्राइव सेफ।